मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ घर में तवा फ्राई भिंडी, इसको अचारी भिंडी भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा सक्सेना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन रेसिपीज। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिंग रिंग रिंग वाले बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भरमा भिंडी या तवा फ्राई भिंडी बनाने के लिए, इसको अचारी भिंडी भी कहते हैं, इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg भिंडी। इसकी हमने ऊपर से डंडी काट कर और बीच में कट लगा दिया है, जिससे हम इसमें अच्छे सा मसाला फिल कर सकते हैं। प्याज लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, सौंफ कुटी हुई 2 छोटे चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, पिसी खटाई 2 छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, राई 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सरसों तेल 1 बड़ा चम्मच। यहाँ मैंने सरसों तेल लिया है, इसका फ्लेवर भिंडी में अच्छा आता है। आप चाहें तो किसी भी वेजिटेबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भरमा भिंडी या अचारी तवा फ्राई भिंडी बनाने के लिए हम सबसे पहले सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उससे हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। और इसके लिए हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज लहसुन का पेस्ट जो कि हमने लिया था 1 बड़े चम्मच। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर जो कि हमने लिया था। फिर हम ऐड करेंगे सौंफ, कुटी हुई सौंफ, इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 खटाई अमचूर पाउडर, इसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, फिर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया था, हम यहाँ इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ 7 मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको भिंडी के अंदर फिल करेंगे। अब हमने जो भिंडी कट लगा के रखा था उसमें हम इस मसाले को किसी चम्मच की हेल्प से या हाथ से ही फिल कर लेंगे, अच्छे से भर लेंगे, जिस तरीके से हम मिर्च में मसाला भरते हैं, मिर्च का अचार डालते समय। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ भिंडी को मसाले से अच्छी तरीके से फिल कर लिया है, पूरी तरीके से भर लिया है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम फ्राई करने के लिए आयरन कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तवा फ्राई भिंडी भी इसको कहते हैं। जनरली लोग इसे तवे पे फ्राई करते हैं, आपने पार्टी वगैरह में देखा होगा। अब हम चाहें तो इसको कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। आपके पास अगर आयरन की कढ़ाई नहीं है, लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो आप किसी भी कढ़ाई में इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं इसके लिए लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, इससे इसमें एक अच्छा टेक्स्चर ऐड हो जाता है, अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे।
मैंने यहाँ आयरन कढ़ाई का यानी कि लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी आयरन कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई या लोहे के तवे का यूज़ करेंगे तो इसमें एक अच्छा फ्लेवर ऐड होगा, अच्छा टेक्सचर ऐड होगा। अब हम इसमें सरसों तेल डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही तेल गर्म होता है हम इसमें तड़का लगाएंगे यानी कि राई डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई डालेंगे। राई अच्छे से चटक गई है, अब हम इसमें भिंडी को डालेंगे और किसी चम्मच की हेल्प से इसको टॉप कर घुमा देंगे। हमने चारों तरफ से अच्छे से घुमा दिया है और हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और 8 मिनट पर हम इसे खोल कर देखेंगे कि ये ठीक से गल गई है भिंडी या नहीं। मैंने लिड से इसको बंद कर दिया है और 8 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि ये पकी है कि नहीं। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, भिंडी को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी लिड को ओपन करके देखेंगे। देखो ये देखने में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लग रही है। इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भिंडी गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें गैस की फ्लेम को तेज करेंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे। अगर आपको लगता है कि भिंडी नहीं गल रही है तो हम दोबारा भी आप इसको ढककर पका सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड, भरमा तवा फ्राई भिंडी तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म भरमा अचारी तवा फ्राई भिंडी तैयार है। इस डिश को अपने घर पर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।